अब इतना बड़ा पतीला धोना पड़ रहा है, और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मेले का टेंट नहीं होता वैसा लगा रखा है। देवरानी जेठानी में हंसी ठिटोली चल रही है यहाँ पर। लड्डू खा तो ले, अब मिठाई है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, इट इज द फेरी के एके किरण, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज 4-5 दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज फुल था। गांव से आने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि गांव में इतना नाचे, इतना चिल्लाए, और यहाँ आके सारी जो जितना भी चिल्लाना था हमारा सब निकल गया। इतना बुखार आया यहाँ आके, टॉन्सिल के चक्कर से आवाज ही बंद हो गई, आवाज़ ही नहीं आई 3-4 दिन तक। फिर सर्दी जुकाम इतना ज़्यादा हुआ कि बस पूछो मत, तब दवाई ली। अभी तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ा सा अलग हो रखी है, बट ठीक है, अभी बोलने लायक आवाज़ हो रखी है। और कल है रिसेप्शन, तो मैं आज अपनी मामी लोगों के यहाँ सुबह ही आ चुका था। तो सुबह आया मैं अपनी गाड़ी से, और मम्मी लोग भी अभी शाम को आ चुके हैं, 5-6 बजे आए मम्मी लोग भी। तो अभी मैं आया हूँ ऊपर क्योंकि यहाँ सब मिठाई वगैरह बन रही थी ना आज, तो वो हम लोगों ने अंदर रखी। दिन से भी मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, मेरा फ़ोन का स्टोरेज ही खाली नहीं था। तो अभी मैंने मम्मी से लैपटॉप मंगवाया, तब जाके मैंने अपना थोड़ा सा आवाज़ कम कर दीजिए थोड़ा सा, तो अभी मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोन खाली किया, अब जाके मेरे को व्लॉग बनाने को मिल रहा है। तो बस थोड़ा सा आपको दिखाते हैं अभी यहाँ का। अभी ऊपर ये तो भैया का कमरा है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इतनी है इस वाले कमरे में, बट रुक जाओ फ्लैश से दिखाता है। यहाँ सब मिठाई बनी हुई, ये लड्डू हैं यहाँ पे मठरी बनी है, यहाँ पे शक्कर पारा कि पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये सब ऐसे ही रखा हुआ है अभी। और ये है बाहर का नज़ारा, बाहर लाइट्स लगी हुई है। पिछली बार ये सब बन रहा था जब मैं आया था, बट अभी सब कम्प्लीट हो चुका है। तो ये मेरी नई भाभीियों का रूम है, ये छोटी भाभी का रूम है, और ये वाली बड़ी भाभी का रूम है। तो अभी आपको अंदर नहीं दिखा सकता मैं, प्राइवेसी। और अभी यहाँ पे बढ़िया सी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, बढ़िया मस्त लाइट लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पीछे ना टेंट लगा हुआ है कल के लिए, तो आधा इन्होंने लगा चुका है, और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे मेले का टेंट नहीं होता वैसा लगा रखा है, पर इन्होंने बोला कि कल दिखेगा आप लोगों को बढ़िया से जैसा भी होगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कल थोड़ा सा बढ़िया हो, अभी तो इतना बेकार सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी मेले का टेंट होगा, वो लगा दिया है इन्होंने। और यानी प्रिया है बोल दे, प्रिया की तबीयत भी ख़राब है, हम आते से ज्यादा 90% ऑफ द फैमिली मेंबर्स हम सब बीमार हैं। किसी का पेट दर्द हो रखा है, किसी का सर दर्द, किसी को सर्दी जुकाम, पता नहीं क्या लगा हुआ है। मठरी होनी है, आप लोगों को पता है यहाँ पर बन रहा था खाना, मतलब मिठाई, सॉरी, यहाँ जिधर टेंट लगा हुआ है। और ये क्या है, पूरी गली घूम के है, इतने भारी भारी पतीले, इतने भारी भारी, इतने बड़े बड़े परात वगैरह जिसमें ये सामान रखा हुआ है ना मिठाई का, ये सब हम पता है अकेले पता पैदल सर में रख के कोई हाथ में उठा के लेके आए। अभी अब बाकी जितने भी मेहमान हैं सब नीचे बैठे हुए हैं, और मैं ऊपर आया था क्योंकि इसको अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाना था। और यहाँ पर ना पर ऊपर से टेंट लगा दिया है, यहाँ आधा सीढ़ियों में लगा रखा है, और यहाँ पर लड़ी है सारी की सारी, यहाँ पर लाइट्स लगा रखी हैं, और यहाँ पर भी फ्रंट वाली उस पर गेट पर भी अच्छा डिज़ाइन है, और यहाँ पर भी ये चुन्नी से बना रखा है। चलते हैं आपको नीचे लेके चलते हैं, नीचे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, लेके करके मिलाते हैं सबको। यहाँ पर बन रहा है खाना, रात की सब्जी यहाँ पे बन रही है। और ये दीदी दीदी ब्लॉग ठीक है, यहाँ पर ना सब्जी बन रही है पतीले पे, आलू की सब्जी, आलू बड़ी मिक्स सब्जी है, हाँ मिक्स वेज बन रहा है पनीर डाल के, तो बाहर पर ही बनाया हुआ था भैया ने बनाया। और यहाँ पर बैठी है भाभी जी यहाँ खाने का रक्षा कर रही है, भाभी उस्ताद है आज की उस्ताद। और ये दीदी यहाँ पर ऑर्डर चला रही है कि वो करना है पूरियाँ बेलनी है, आटा रखा हुआ है, ये दोनों गेट पे ऐसे करके ना बढ़िया सी डिजाइन बनाया हुआ है, और ये ऊपर की लाइट वगैरह लगी हुई है। बाकी आपको अंदर ले चलते हैं, यहाँ ऐसी चप्पलों की लाइन बिछी हुई है अंदर से लेकर बाहर तक सब। आप अच्छे से बोल दो हाई हेलो, अभी हम बहुत बिजी हैं, सबकी तबीयत बड़ी बिगड़ रखी है, और यहाँ मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है क्योंकि यहाँ पे अभी पेंट वगैरह किया ना, तो ये बहुत नया नया ऐसा लग रहा है, तो इस वजह से ये ना आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बाहर पे पूरियाँ बन रही है, आधा खाना अंदर बन रहा है, आधा रोटियाँ अंदर बन रही है, और दोनों भाभियाँ भी अंदर ही हैं, वो रोटियाँ बना रही हैं। और ये दीदी अभी अंदर आके बर्तन घिस रही है, दीदी आज सुबह से थक चुकी है, इतना काम करा है दीदी ने। और ये भी हमारी छोटी भाभी, आज इनकी दूसरी रसोई है, ये रोटियां बेल रही है, जो कि इनको रोटी बेलने की। ये हमारी बड़ी भाभी जी, ये रोटियां सेक रही हैं, अभी आपको दिखाते नहीं इनकी शक्लें, कल देखना रिसेप्शन पार्टी में। ये देखिए हमारी भाभी जी कितनी गोल रोटियां जा रहा है जबरदस्ती, इतनी गोल रोटियां बनाती है हमारी भाभी जी। देवरानी जेठानी में हंसी ठिटोली चल रही है यहाँ पर। ये बड़ी मुश्किल से मेरी अम्मा की शक्ल दिख रही होगी आपको, अम्मा रसगुल्ला बांट रही है। अम्मा भी बीमार हो गई थी शादी खा खा के,
ये रहे हमारे दूल्हे राजा बड़े भैया। अरे भैया ऊंचा लाइट में आओ ना, यहाँ पर आओ भैया। अभी मिलाऊंगा तुझे, रुक जा रुक जा। भैया आपको कैसा लग रहा है, शादी हो चुकी है आपको, आपकी शादी को लड्डू अच्छा लगा, मीठा है कड़वा है खट्टा है कैसा? लड्डू खा तो ले, मीठा ही है अभी फिलहाल मीठा है, अभी फिलहाल मीठा है, एक महीने बाद पता चलेगा रिजल्ट। अभी मुझे छोटे वाले भैया भी मिल गए। भैया आपको भी बताइए, शादी का लड्डू मीठा है खट्टा है तीखा है कैसा है? मिक्स मिक्स। अभी एक महीने तक बढ़िया लग रहा है इनको भी, इसके बाद दोबारा से रिव्यू लेंगे कि मीठा है खट्टा है, ठीक है? अभी हम सब लोग रात का डिनर कर रहे हैं, मिलते हैं आपको कल। कल भैया अच्छे चमक रहे होंगे, कल रिसेप्शन के दिन है नी, अभी भी चमक रहे हैं बट कल ज्यादा ग्लो होगा, ठीक है? ओके गुड नाइट सभी को, मिलते हैं रात को सोते समय। बाय बोल बाय बोल बाय बोल। सो गाइस दो पूरियां खाई, अब इतना बड़ा पतीला धोना पड़ रहा है, मेरे जैसे दो इसमें समा जाएंगे ऐसे करके, इतना बड़ा पतीला है। नई नई वाली बहू है, इनका कल रिसेप्शन है तो इनको छुट्टी दे रही है आज। The next day. अरे झुक झुक के भाभी जी, झुक झुक के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रिसेप्शन का व्लॉग। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय 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 बाय।